कमलनाथ सरकार में मंत्री उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के विवाद के चलते प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। दोनों नेताओं के विवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ गई है। कांग्रेस के राजनीति के धुरंधर दिग्विजय सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन पर और उनकी राजनीति पर हमला उनके विपक्षी नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता करेंगे। हमला भी ऐसा जो अब तक किसी विपक्ष के नेता ने नहीं किया है। उनके ही पार्टी के नेता ने उन्हें रेत माफिया, शराब माफिया बता दिया। 5 दिन तक चुप्पी साधने के बाद दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए वन मंत्री उमंग सिंघार पर निशाना साधा। हाईकमान से अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। मेरी राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के साथ है और उस विचारधारा के साथ न कभी मैंने समझौता किया न कभी कर सकता, क्योंकि मूल रूप से वो भारत के संस्कार संस्कृति के खिलाफ है। सबसे इतना ही अपील करूंगा कि वे अनुशासन का पालन करें और ये अवसर भारतीय जनता पार्टी को न दें। मामले को लेकर घमासान की शुरुआत करने वाले वन मंत्री उमंग सिंघार से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मेरी अपनी बात पार्टी हाईकमान को पहुंचा दी है, माननीय कमलनाथ जी को कह दी है, तो मुझे नहीं लगता आवश्यकता है कि इस चीज को सार्वजनिक करें। धन्यवाद, थैंक यू। मैंने आपसे फिर कहा कि मैंने मेरी बात पार्टी हाईकमान को भी कह चुका हूँ और कमलनाथ जी को भी बता चुका हूँ, इसके अलावा आप कहना नहीं चाहूंगा। धन्यवाद। वही मामले में प्रदेश के कानून मंत्री और गृह मंत्री का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस में पहले ही सब ठीक था, अभी सब ठीक। ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कह दिया कि अब कोई भी वो करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको बोल चुका हूँ, ये राष्ट्रीय हमारी पार्टी के जो हाईकमान है श्रीमती सोनिया गांधी जी तक ये मैटर जा चुका है। जो भी डिसीजन होना, जो भी डिसाइड होना, श्रीमती सोनिया गांधी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे जितने राष्ट्रीय नेता है उनकी जानकारी में और उनके अनुसार ही डिसाइड होना है। कांग्रेस के अंदर चल रहे विवाद में बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी, उसे तो एक बार फिर सवाल उठाने का मौका बस चाहिए था। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, एक शपथ लिए हुए सरकार के मंत्री के आरोपों से भागने का काम क्यों कर रहे हैं? उमंग सिंघार जी ने गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह जी पर लगाए हैं और ये लोकतंत्र और नैतिकता का तकाजा है कि दिग्विजय सिंह जी को उन आरोपों का जवाब देना ही चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब सत्ता हाथ आएगी तो विरोध विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेताओं से झेलना पड़ेगा। भले ही मामला आलाकमान पर टाल दिया गया हो, लेकिन उमंग सिंघार के बयान बता रहे हैं कि सिंघार की तरकश में तीर अभी भी बाकी है। R9 TV के लिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।